डाकिया की कहानी। एक बार था एक गांव बालापुर नामक, जहां के लोग शहर में, कई नगरों में और देश के बाहर भी काम किया करते थे। जब कोई बड़ा उत्सव या त्योहार होता था, तब ही ये लोग अपने परिवारों से मिलने गांव वापस आया करते थे। तो हर कोई जरूरी काम या बात या कोई भी खर्चा भेजने के लिए एक ही जरिया था, पोस्ट कार्ड भेजने का। पोस्ट के जरिए लोग अपने परिवार वालों को संदेश भेजा करते थे। पैसे भेजने के लिए मनी ऑर्डर का जरिया इस्तेमाल करते थे। बालापुर में विट्टल नाम का एक नया डाकिया आया। विट्टल बहुत कामकाज करता था, हमेशा अपने काम से मतलब रखता था। डाकिया की नौकरी में विट्टल का आज पहला दिन था। पोस्ट बॉक्स से सारी चिट्ठियों को जमा करना था उसका काम। उसने देखा कि सारे पोस्ट बॉक्स एकदम नए लग रहे थे, जैसे कि किसी ने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। ओ, अच्छा है, लगता है यहाँ के लोग चीजों को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करते हैं। ये सारे डिब्बे इतने अच्छे और नए लगते हैं। ऐसा सोचकर उसने डिब्बों को खोला तो सारे के सारे डिब्बे खाली थे। तो वह अगली गली में गया, वहाँ के पोस्ट बॉक्स भी खाली पड़े थे, एक भी चिट्ठी नहीं मिली। अंत में विट्टल पोस्ट ऑफिस की ओर निकल पड़ा अपनी साइकिल पर, इस बारे में सोचते हुए। उसी समय कुछ लोगों ने डाकिया को आते हुए देखा। हे, देखो डाकिया आ गया। गांव वालों ने महिलाओं को चिल्लाते हुए सुना तो सब लोग खड़े हो गए और वहां पर जमा हो गए। ये सब लोग यहाँ पोस्ट ऑफिस के पास जमा क्यों हो गए? चलो देखते हैं। विट्टल के पहुंचते ही सब लोगों ने उसको अपने अपने चिट्ठियां उसके हाथ में दे दिए। अरे रुकिए एक मिनट, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? आप सब लोग पोस्ट ऑफिस क्यों आए हो, पत्र देने के लिए? हम तो हमेशा ऐसा ही करते हैं। क्या ये क्या बोल रहे हो आप लोग? फिर भीड़ में से एक महिला ने बोला कि विट्टल से पहले एक डाकिया था, कृष्णराव, 57 साल का। उसने गांव वालों को बोला कि सब लोग अपने अपने पत्र सीधा पोस्ट ऑफिस पर ही दे और वहीं से ले ले। क्या? पर ये तो सही तरीका नहीं है। मेरे बेटे को एक बहुत अच्छी नौकरी छूट गई साहिब। इस परिस्थिति से आपके बेटे की नौकरी से क्या लेना देना? कृष्णराव बहुत ही आलसी डाकिया था, वह सबको इधर ही आकर चिट्ठियां लेने को बोलता था। पर कई अनपढ़ लोग हैं यहाँ पर जिनको उनकी चिट्ठियां उन तक अभी तक नहीं पहुंची है, बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिला। महिला ने बोला कि उसके बेटे को दफ्तर से जो नौकरी मिलने की चिट्ठी आई थी वो खो गई और इसी कारण नौकरी भी छूट गई। और ये ही नहीं, कृष्णराव की लापरवाही की वजह से कई चिट्ठियां चूहे खा गए, कई मनी ऑर्डर भी इसकी वजह से नष्ट हो गए। ये सब सुनकर विट्टल ने सोचा कि अब उसको बालापुर में बहुत सारी चीजें बदलनी होगी। अगले दिन विट्टल गांव में गया और घरों से लोगों को बाहर जमा किया। सुनिए सब लोग, अब से आप लोग अपने अपने पत्र पोस्ट बॉक्स में ही डालना, आप लोगों को पोस्ट ऑफिस तक आने की जरूरत नहीं है। बालापुर के गांव में हर एक घर को अपना अपना नंबर नहीं था,
पत्रों पर सही पता कोई लिख ही नहीं पाता था। तो विट्ठल ने सरकार को पत्र लिखा कि हर एक घर को अपना अपना अनोखा प्लॉट नंबर दिया जाए। उस दिन से विट्ठल हर एक घर जाता था सबको उनके उनके पत्र देने के लिए और उनके दस्तखत भी लिया करता था। विट्ठल बहुत मेहनती था और अपना काम जिम्मेदारी से करता था। वो खुद घर घर जाकर चिट्ठियां देने लगा ताकि किसी को भी खुद पोस्ट ऑफिस आने की जरूरत ना पड़े। उसने गांव के एक अच्छे भविष्य के लिए अपना काम किया। सारे गांव वाले खुश थे कि उनके गांव में भी अब विकास होने लगा है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि नौकरी केवल नाम की नहीं होती, ये बहुत जिम्मेदारियों के साथ भी आती है। जो भी अपना काम ईमानदारी से करेगा वह समाज में एक अच्छा नाम कमाएगा।